मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2022 के सीजन का अपना पांचवा मुकाबला भी हार चुकी है और मुंबई इंडियंस की टीम अब प्लेऑफ्स के मैचों में जाने के लिए एमआई की टीम के काफी कम चांसेस नजर आ रहे हैं। लेकिन हमें मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2022 के सीजन में जल्द से जल्द वापसी करते हुए नजर आने वाली है और मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से तीन बड़ी खबरें या फिर पहले तीन बहुत बड़े अपडेट बाहर निकल कर आए हैं। तो तीनों ही बड़ी खबरें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो कि मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आ रही है। तो ओवरऑल ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आप भी चाहते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम जीते आईपीएल 2022 का सीजन, तो हमारे इस वीडियो का भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खासकर आईपीएल से जुड़े हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहले बड़े अपडेट की जो कि मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आया। ये बड़ा अपडेट मुंबई इंडियंस की टीम के न्यू खिलाड़ी डेविड ब्रेविस की तरफ से निकल कर आया। दरअसल पंजाब और मुंबई इंडियंस की टीम के जो बीच में मैच हुआ उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन डेविड ब्रेविस ने एमआई की टीम के लिए किया और डेविड ब्रेविस ने 112 मीटर का लंबा छक्का भी राहुल चेहर की गेंद पर लगाया और राहुल चेहर को एक साथ डेविड ब्रेविस ने एक ही ओवर में चार छक्के लगातार मारे। तो मुंबई इंडियंस की टीम के लिए काफी अच्छी खबर रहने वाली है क्योंकि फ्यूचर के लिए भी मुंबई इंडियंस की टीम ने डेविड ब्रेविस में इन्वेस्ट किया है और फ्यूचर से पहले डेविड ब्रेविस इस सीजन में काफी अच्छा प्रदर्शन एमआई की टीम के लिए कर रहे हैं। तो एमआई की टीम के लिए काफी अच्छी खबर रहने वाली है कि इनके जो नए खिलाड़ी है डेविड ब्रेविस वो काफी अच्छा काम मुंबई इंडियंस की टीम को करके दे रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे बड़े अपडेट की जो कि एमआई की टीम की ओर से निकल कर आया। ये बड़ा अपडेट मुंबई इंडियंस की टीम के खिलाड़ी रोहित शर्मा की तरफ से निकल कर आया। दरअसल एमआई की टीम के जो कप्तान है रोहित शर्मा, उन पर अब 24 लाख रुपए का फाइन लग चुका है और अगर रोहित शर्मा एक बार फिर से सुलो ओवर रेटिंग चलाते हैं या फिर दूसरी बार भी सुलो ओवर रेटिंग चलाते हैं, हालांकि दो बार तो रोहित शर्मा को 12-12 लाख रुपए का फाइन भरना पड़ा और अगर इसके बाद में रोहित शर्मा से गलती होती है तो रोहित शर्मा पर हम एक मैच का बैन भी लगते हुए नजर आ सकता है। तो एक काफी बड़ा अपडेट मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आया। बीसीसीआई के इस नियम के चलते हुए एमआई की टीम से हमें रोहित शर्मा एक मैच के लिए बाहर बैठे हुए नजर आ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे बड़े अपडेट की। यह बड़ा अपडेट एमआई की टीम के खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव की तरफ से निकल कर आया है। दरअसल सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर से मुंबई इंडियंस की टीम के लिए 43 रनों की एक धमाकेदार पारी खेली, लेकिन सूर्य कुमार यादव अपनी टीम को जिता नहीं पाए क्योंकि सूर्य कुमार यादव का कोई भी खिलाड़ी साथ नहीं दे पाया जो मैच में जो जरूरत है एमआई की टीम को। तो मुंबई इंडियंस की टीम में मात्र सूर्य कुमार यादव ही ऐसे खिलाड़ी है और तिलक वर्मा ही ऐसे खिलाड़ी है जो कि इंडियन खिलाड़ी और जो कि एमआई की टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे। बाकी सब मुंबई इंडियंस की टीम के इंडियन खिलाड़ी काफी पुलाव आईपीएल 2022 के सीजन में हो चुके हैं। बस ये वीडियो यहीं तक थी और ये तीन काफी बड़े अपडेट मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आए। वैसे आप भी चाहते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2022 के सीजन में जल्द से जल्द वापसी करे और जल्द से जल्द अपना खाता भी खोले, तो हमारी इस वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।